हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे एनिम्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नीट 2023 का कट ऑफ, टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है, लाइक कैटेगरी 1, 2, 3, 4 का टेंटेटिव कट ऑफ क्या होगा। मोस्टली एक्यूरेट रहेगा, लेकिन मैं टेंटेटिव बोल रहा हूँ मैं। सो वो कितना मार्क्स का कट ऑफ है आज मैं डिस्कस करूंगा। एंड पर्टिकुलरली नीट 2024 देने वाले जो स्टूडेंट है, 2024 में जो नीट देने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगला साल आपका फिर मार्क्स कितना आना चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन, EWS कैटेगरी। तो वी नो दैट EWS कैटेगरी में 10 सीट है, तो EWS कैटेगरी का देखिए लगभग आपको 292-295 का कट ऑफ इस बार होने वाला है, 292-295 मार्क्स का कट ऑफ होने वाला है तो EWS कैटेगरी का। सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, तो ये 292-295 मार्क्स का कट ऑफ हो सकता है EWS कैटेगरी का, जो 10 सीट है। कैटेगरी 1 जिसमें 17 सीट्स है, जो आप जानते हो ट्राइबल्स, ST कैटेगरी, ये सब इसमें आते हैं। तो मैं यहाँ बताऊँ आपको, इस कैटेगरी में 3 स्टूडेंट्स का लिस्ट दिया है, मतलब आपको यहाँ पे अभी भी सीट्स खाली है आउट ऑफ 17। 17 सीट है इस कैटेगरी के लिए, 17 सीट में देखिए 3 बच्चों का लिस्ट में नाम आ चुका है, मतलब अभी भी इस कैटेगरी में खाली है। इसका मतलब आप जानते हो कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में, मतलब ये सब काउंसलिंग में, सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट्स मिलने वाले हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का भी वीडियो बनेगा, ये सब आप लास्ट तक देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है हर एक स्टूडेंट का। कैटेगरी 2 नेवी के जो 9 सीट्स है, इसका कट ऑफ 443-45 हो सकता है इस बार, 43-45 हो सकता है कैटेगरी 2 का, जो 9 सीट्स के लिए होगा नेवी के लिए, जो नेवी के स्टूडेंट्स है उनका 443-445 तक हो सकता है। तो ये हो गया EWS कैटेगरी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा, कैटेगरी 3A। वी नो दैट 3A में 15 सीट्स है, तो 15 सीट्स है तो यहाँ पे 3A का इस बार का कट ऑफ हो सकता है 305। क्या सर आप एग्जैक्ट नंबर बता रहे हो? 305 क्यों मेंशन किया? बिकॉज आई नो द कैंडिडेट नेम ऑल्सो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना ही स्टूडेंट है, तो ये जो मार्क्स है जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ऊपर तो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो एक 300-305 पकड़ के चलिए। कैटेगरी 3A का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ 305-310 ऐसा समझिए, ये एग्जैक्ट नंबर बता दिया मैंने। नेक्स्ट वन, कैटेगरी 3B का क्या हो सकता है? 3B में भी हम जानते हैं यहाँ पे कितने सीट्स है, 15 सीट्स है तो यहाँ पे 3B में देखिए 267 तक हो सकता है 3B का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 267-270 मान के चलिए, 267-270 मार्क्स तक हो सकता है। देन कैटेगरी 3AB का बात करते हैं, तो 3AB में यहां पे आपको कितने सीट्स है, 14 सीट्स है, ये लगभग 260 अराउंड आ सकता है, 260-265 तक आ सकता है। आई नो द एग्जैक्ट मार्क्स इवन, बट मैं टेंटेटिव बोल रहा हूं, तो ठीक है आप 3AB की बात कर रहे हो तो ये 260-265 होगा। फिर कैटेगरी 4 की बात करते हैं, कैटेगरी 4 में कितने 17 सीट्स है, तो मैं इसका 422 जो है एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं, ठीक है 422 है फर्स्ट राउंड का एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन ठीक है हम इसे 420-425 के बीच में लेके रखते हैं। सो ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स बता दिया कि कितना हो सकता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। और जो देख रहे हैं वीडियो, जिसको मतलब अभी वेटिंग लिस्ट में भी है, तो डोंट वरी, आपको मैं अपडेट्स देता रहूंगा सेकंड राउंड काउंसलिंग का भी, तो साथ में बने रहिए। अब हम एक इंपॉर्टेंट मैसेज की बात करते हैं, जो नीट 2024 का तैयारी कर रहा है। सो उसके लिए मैं बात करूंगा नीट 2024 जो देने वाला है, तो सबसे अच्छे से फर्स्ट पॉइंट आप सुनिए, आपके पास पिछले 5 साल एनिम्स का कंप्लीट कट ऑफ का मैंने एक वीडियो बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट वीडियो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा हर साल क्या हो रहा है और इस बार क्या हो रहा है,
ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे जो लास्ट में बताया, इफ यू ऑब्जर्व पर्टिकुलरली जनरल कैटेगरी, ये देखिए कट ऑफ पिछला साल का सीन अलग था, मैं बता देता हूँ, लास्ट ईयर का मुझे याद है 380 फर्स्ट राउंड का था, अब इस बार देखिए 422, क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, कंपटीशन बढ़ रहा है इन द सेम वे। इससे पहले कैटेगरी, ये जो देखिए कैटेगरी टू का भी जो देखिए 443 बोल रहा हूँ, पिछले साल से ज्यादा ही है, एंड बाकी कैटेगरीज का भी देखिए, बाकी कैटेगरीज का भी 20 मार्क्स तक बढ़ चुका है पिछले साल से, कंपटीशन बढ़ रहा है, अगला साल और ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 5 साल का, लास्ट 5 ईयर्स का कट ऑफ चेक कर लो, लास्ट 5 ईयर्स का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, चेक कर लीजिए, बिकॉज स्ट्रेटजी के बिना आप जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, सीट तभी मिलेगा आपका एक स्ट्रेटजी, अच्छा मैं बायो में इतना मार्क्स लाऊंगा, फिजिक्स में इतना मार्क्स लाऊंगा, केमिस्ट्री में इतना मार्क्स लाऊंगा, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, अभी बहुत टाइम है अभी भी अगर आप अच्छे से प्लान करते हो तो। नेक्स्ट वन, 5 ईयर्स का कट ऑफ देख लिए, अब इस बार का भी कट ऑफ बता दिया, अब आपको क्या करना चाहिए, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आप बता दिए ऑलरेडी, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखे होंगे, ये तो मैं अभी 24 का 23 का कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया आपको 440 से कम नहीं लाना है। नेक्स्ट ओबीसी हो आप, आपका टारगेट हमेशा 380 तक रहना चाहिए, कंपटीशन कभी भी कुछ भी हो 360-380 तक होना चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज वाइज बताया, अब इसमें आपका एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, सिंपल लॉजिक सुनिए, देखिए यहाँ जो श्रवण सर के स्टूडेंट है, टू थर्ड ऑफ द स्टूडेंट 280 प्लस आउट ऑफ 360 दे आर स्कोरिंग, बिकॉज लास्ट वीडियोस में मैं रिजल्ट्स भी शेयर किया था अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ पे बायो में कितना स्कोर हो रहा है, 360 में कितने, 300 अबो लगभग 12 से 15 स्टूडेंट या उससे ज़्यादा ही थे, 280 टू 300 बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप सोचिए लगभग जितने भी बच्चों को 280 प्लस मिला है बायो में, इनका सबका सिलेक्शन हो चुका है, 99% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, 99%। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप, आपका टारगेट पता है आपको कहां तक पहुंचना है कि कितना स्कोर करना है, और बता रहे कि श्रवण सर के स्टूडेंट 270-280 ये मिनिमम बता रहे, आराम से कर सकते हो, और जो सिंसियरली साथ में चल रहा है, टेस्ट रेगुलरली दे रहा है, लेक्चर्स अच्छे से सुन रहा है, बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहा है, उसका तो 330 कन्फर्म है, ठीक है। तो सोचिए फिर बायो ट्यूशंस आपका कहां पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपका टारगेट आप जानते हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो आपका टारगेट देखिए, और यहाँ पे मैं कितना मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इधर 350-380 भी हो गया, यहाँ पे आपको 300 यही मिल रहा है। सो सोच समझ के बायो की ट्यूशंस की बात किया, यू नो दैट, सो हु इज द बेस्ट। तो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ, कट ऑफ के बारे में हो सकता है, स्ट्रेटजी के बारे में, कितना मार्क्स लाना चाहिए, अगला साल आपका टारगेट्स क्या होना चाहिए, देखिए ये मिनिमम बता रहा हूँ, देखिए कंपटीशन तो हर साल बढ़ता है, कंपटीशन हर साल बढ़ता है, कट ऑफ हमेशा बढ़ता है, तो एक स्ट्रेटजी डालो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसके हिसाब से तैयारी करो, अंधाधुन कभी मत जाओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो आपको सीट कन्फर्म हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया लाइक करो, एंड नीट एस्पिरेंट्स के अमाउंट शेयर करो, एंड फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकॉन क्लिक करो। थैंक यू।